पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल को लेकर अभी भी शहरियों में खदशात पाए जा रहे हैं। एक अरसे दराज से पुराने शहर में मेट्रो रेल को लेकर तजस्सुस बरकरार है। हुकूमत की जानिब से पुराने शहर में मेट्रो का आगाज को लेकर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। मुकामी जमात भी इस जानिब तवज्जो देने से कासिर है। पिछले 10 सालों से शहरी मेट्रो रेल के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस खुसूस में आज हमने कुछ शहरियों से बात की और इनके ख्याल जानने की कोशिश की। पेश है इस खुसूस में पुराने शहर हैदराबाद के बाशऊर अफराद की जानिब से मेट्रो रेल को लेकर इनके ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। मेरा नाम निलम। निलम सर, ये मेट्रो ट्रेन लिया हो सिटी में आने के वास्ते, आप क्या जा रहे हैं? आना कितने साल से सुन रहे हैं? ओ, आप 10-20 साल हो रहा। हाँ, वो हो रहा नहीं तो ज्यादा भाई है। आया तो क्या फायदा है पब्लिक का? अरे अच्छा फायदा नहीं रहे तो मीटर डाल रहे साहब, देखो मीटर डाल तो मीटर में बैठने आ जा रहे, टेम को आ रहे टेम को जा रहे, पसों पे आ रहे पसों पे क्या मेट्रो ट्रेन आने से क्या क्या डेवलपमेंट आएगा? अच्छा रहता अपने को, ये रोड भी जाम नहीं होता, पता रहे तो जो रोड का जाम हुआ मिट रहे तो जो रास्ता भी खुला रहता है रोड का। ये कौन सा एरिया है? ये मंडी बोलते हैं। हाँ, सर आपका नाम? हर गोविंद गोयल। गोयल सर, ये कौन सा एरिया? शाली बंदा। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन आने वाली है, ये आना या नहीं आना चाहिए? कितने साल से सुन रहे अभी आने? हम करीब 10 साल से सुन रहे मेट्रो आएगी आएगी, अभी तक तो नहीं आई। तो आप मेट्रो आने के उसमें है कि आया तो अच्छा? अच्छा आया तो अच्छी चीजों से डेवलपमेंट आएगा। अगर मेट्रो अगर आएगी सर्विस हो जाएगी अच्छी, जाम जो बार बार लग रहा है खुल जाएगा, जाम नहीं लगेगा, यानी रोड जो जाम अभी वो हाँ। और सामने सिनेमा है सुधा टॉकीज, 5-5 फिल्में चलती हैं एक साथ, यानी बाहर से लोग आएंगे? बाहर से आते हैं सर, बाहर से लोग आएंगे पिक्चर देखने आते हैं, सब आते हैं। यानी मेट्रो ट्रेन आना अच्छा है? मेट्रो ट्रेन आना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। आप मेट्रो ट्रेन के साथ? हाँ मेट्रो ट्रेन के साथ में है। आपका नाम? मेरा नाम मिर्जा अब्बास अली बेग है। अब्बास बेग कौन सा एरिया है? ये दारू शफा है। ये मेट्रो ट्रेन ओल्ड सिटी से आना या नहीं आना? मेट्रो ट्रेन ओल्ड सिटी से तो आना भी नहीं आना भी कुछ भी नहीं बोल सकते, मगर मेट्रो लाइन सालारगंज म्यूजियम बैक साइड से आई तो और अच्छा है, क्योंकि ये जितने प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, आप वही पैसा अगर उधर लगाए तो गवर्नमेंट के लिए और अच्छा है। तो कितने साल से सुन रहे थे ट्रेन आने के बारे में? मैं तो तकरीबन बहुत जमाने से सुन लेते जा रहा हूँ, मेरी दुकान खुद खुल के 15-20 साल हो गए। अभी रोक रहे हैं वो सीएम साहब को मालूम है। तो पब्लिक क्या कह रही है, आप लोग क्या कह रहे हैं, ट्रेन आना या नहीं आना? ट्रेन इधर नहीं आना क्योंकि इधर आशुखाने हैं, दरगाह हैं, हर रास्ते में हर चीज की तरफ रुकावट है, उधर कुछ भी नहीं है, उधर गवर्नमेंट लाइन है। यही पैसा प्राइवेट जो घरों का खाली करा के आप जो दे रहे हैं, वही पैसा अगर उधर लगाएंगे तो आपके लिए फायदा भी है। రావాలి బట్ ఇంకా రాలేదు, వస్తే మాత్రం చాలా మంచిగా ఉంటది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మాక్సిమం మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా, అంటే వాళ్ళని కూడా కొంచెం అప్డేట్ చేసినట్టు ఉంటది, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అన్న ఈజీగా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్లేసెస్ ని. ఇంకా అంటే అంటే మెయిన్ సిటీస్ బందరాయి అలానే కాకుండా ఇలాంటి సిటీస్ ని కూడా పాయింట్అవుట్ చేస్తే. सर ये कौन सा एरिया है सर? ये शाली बंडा। सर ये मेट्रो ट्रेन यहाँ पर आना आना चाहिए? कितने साल से अभी सुन रहे आने के बारे में? बहुत साल से सुन रहे, 10 साल से सुन रहे। तो अभी क्या टाइम तक किस तरह से आना, किस तरह से होना, पब्लिक की क्या फैसिलिटी होंगी अगर ट्रेन आएंगे तो? आने जाने को सुधर हो जाएंगे ना, और कुछ मार्केट बढ़ेगी इससे? बढ़ेगा ना जरूर। तो मेट्रो ट्रेन के हक में मेट्रो ट्रेन यहाँ से आना आना चाहिए। भाई आनंद। हाँ आनंद साहब, ये कौन सा एरिया है? ये बोलते सुधा टॉकीज एरिया बोलते।
यहाँ पर मेट्रो ट्रेन आने के बारे में आप कब से सुन रहे थे? अरे बहुत दिन से सुन रहा हूँ मैं, दस बीस साल से सुन रहा हूँ मैं। तो मेट्रो ट्रेन आना है या नहीं आना है? आना है तो ज्यादा सहूलत रहती साहब लोगों को। क्या क्या सहूलत रहती सर? सर तो पब्लिक जाने का इजी रहता, ट्रैफिक जाम नहीं होता, ये थे। गवर्नमेंट इतना डिले कर रही है आने के लिए जिसे? अभी महेश्वरम में जैसे लेके आ रही है, यहाँ पर क्यों डिले कर रही है? महेश्वरम से कौन है मालूम मेरे को, इधर सुना मैं। हाँ